नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन। आपके साथ आए मुखातिब होते हैं अभी की ताजा खबरों से। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गड्ढे में मिली लाश का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 30,000 के लेन देन को लेकर की थी युवक की हत्या। इंदौर के क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार कर किया सट्टा संचालन का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1,36,000 रुपए नगद और करोड़ों का हिसाब मिला। इंदौर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाहियों से गई एक नवजात की जान, परिजनों ने नर्स और गार्ड पर लगाए गंभीर आरोप। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में गड्ढे में मिले एक युवक के शव की पहचान पुलिस ने रामनिवास चौहान निवासी द्वारकापुरी के रूप में की थी। रामनिवास के गले पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई थी। रामनिवास की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी। इस मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के साथी कालू को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया था। शंका होने पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूला कि 30,000 रुपए के लेन देन के चलते उसने रामनिवास की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये कल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। लगभग 21 वर्ष की उम्र थी, युवक था और कुछ दिन हो चुके थे, ये डिकम्पोजिशन की स्टेज में थी। इसमें जो उसके कपड़े थे और उसके हाथ पे कुछ गुदने का निशान था और जो उसके एक्सेसरीज जो उसके साथ में थी, उससे इसकी पहचान रामनिवास चौहान के रूप में हुई। और इसके घर की तस्दीक करने पर जो घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इसे 1 तारीख को आखिरी बार इससे बात हुई है और 30,000 रुपये का इसका लेन देन था कालू नाम के व्यक्ति के साथ में। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में दबिश देकर वर्ल्ड कप का सट्टा संचालित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 1,36,000 नगद, लैपटॉप, LCD सहित करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने एक टीम गठित कर सूने फ्लैट पर दबिश देकर वर्ल्ड कप का सट्टा संचालित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी कमल जैन की पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,36,000 नगद और करोड़ों का लेन देन बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह के तार महाराष्ट्र, गुजरात और रतलाम से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। इंदौर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाहियों के चलते एक नवजात की जान चली गई। इससे पहले भी चोइथराम में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। अभी MY अस्पताल में नर्स की लापरवाही से नवजात की जान चली गई। प्रदेश के सबसे बड़े MY अस्पताल में नवजात की मौत के बाद बच्चे के पिता व अन्य परिजनों ने अस्पताल के गार्ड और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इनकी अनियमितता के चलते ही बच्चे की मौत हुई है। मृत बच्चे के परिजनों ने कहा कि नर्स के दुर्व्यवहार और नवजात को जोर जोर से मारने के कारण उसकी मौत हुई है। जो नर्स है, रात के 12 बजे उसने मेरे बच्चे को इसको हाथ से मारा और उसमें क्या जान है। आपने कुछ शिकायत लगा हुआ था इसकी कहीं नहीं? मैंने उससे बोला था कि आपके बच्चे को कहीं बाहर ले जाना है, कहीं ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ बिना ऑक्सीजन के उसको बच्चे को? आपने इस पूरे मामले में प्रबंधन से कहीं कोई शिकायत? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं की। नर्स का नाम आप जानते हैं? कौन सी नर्स आप पहचान जाएंगे? पहचान जाऊंगा मैं। इस रवैये को आप किस प्रकार देखते हैं कि एक नवजात को नर्स मार रही है, किस प्रकार से आप देखते हैं? ये तो क्या यही दायित्व उनका? नहीं, ये बहुत गलत है उनका रवैया। और एक दिन का नहीं, उनका हर दिन का, मतलब खाली जो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, जो नर्स है इधर की, नर्स और ये गार्ड वाले, ये सबसे बेकार है। ऊपर कहीं इसकी शिकायत करेंगे आप? इसकी करेंगे ना, करेंगे हम तो कहीं भी जाके लड़ेंगे अपनी बच्ची के लिए। ठीक भाई साहब, थैंक यू। ठीक, रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। इंदौर में एक तरफ तो रहवासी पीने के पानी को लेकर तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निगम की लापरवाही से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। पानी के बहने का मामला दवा बाजार के सामने का है। इंदौर के दवा बाजार के सामने नर्मदा लाइन की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन फूटने के कारण दवा बाजार के आसपास के रहवासी इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाया। वहीं पाइपलाइन फूटने की सूचना निगम को मिलने के बाद भी उसे दुरुस्त करने के कोई प्रयास निगम द्वारा नहीं किए गए। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया।
इंदौर के गुंडों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होते जा रहा है। सोमवार को एरोड्रम थाना में पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला था। इसके बाद उसी रात को गुंडों ने 60 फीट रोड पर फिर आतंक बचाया। गुंडों ने रात में घर के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ दिए। पुलिस प्रशासन की लगातार गश्त के बाद भी गुंडों का आतंक शहर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार देर रात नशेड़ियों ने एरोड्रम क्षेत्र के 60 फीट रोड पर जमकर उत्पात मचाया। गुंडों ने घर के बाहर खड़े वाहनों के पत्थर और लाठियों से तोड़फोड़ की। पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्रवासियों को लगी, वे तुरंत एरोड्रम थाने पहुंचे और उत्पात मचाने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपियों की तलाश में जुटी है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।